मेरा नाम इरशाद अली है और मैं यहाँ तहसील कानूनी का रिहायश पजीर हूँ। हमारे इलाके में गटरों का पानी यहाँ पर ही जमा होता है जो कि आगे नहीं जाता। मेरा नाम फिदा हुसैन धरपाली है, मैं एक्सप्रेस न्यूज जाफराबाद का रिपोर्ट हूँ। जो यहाँ पर जाफराबाद में जो सेवरेज सिस्टम बनाया गया था, इसके लिए रकम साबिक वजीर आजम जफरुल्लाह जमाली ने दी थी। जो एक गलत मंसूबा बनाया गया था, एक पूरी जो उसकी जो रकम थी वो सारी जाया के जाया हो गई। और हमने बहुत इसकी रिपोर्टें भी, हमने इसकी इसे कवरेज भी दी, और जो जो वफाक ने जो रकम दी थी वो बीडी बलूचिस्तान को दी थी। उसने यहाँ पर काम शुरू किया था और उसकी कोई भी मनसूबाबंदी नहीं थी। ड्रेनेज का काम मुकम्मल ना होने और अनकम्प्लीट काम की वजह से मुख्तलिफ जगहों पर पानी गली मोहल्लों में, गली कूचों में खड़ा रहता है, चौड़ की तरफ में जहाँ पर मच्छरों की बहताब होती है, और इन मच्छरों की वजह से, मच्छरों काटने की वजह से मलेरिया की वबा फैल गई है। आपको शहर के हर घर में मलेरिया के मरीज नजर आएंगे। मलेरिया जो है ना ज्यादातर क्या करता है, जो दिमागी मलेरिया है वो सबसे ज्यादा खतरनाक है। इसकी वजह ये है कि जो पूरे शहर है घेरा लिया, इसका सेवरेज सिस्टम नहीं है। हर घर के बाहर एक न एक बार पानी का खड़ा है और स्प्रे का भी बंदोबस्त नहीं है, जिसका स्प्रे भी होना चाहिए। अरे